सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। और आज हम लोग जा रहे हैं रील्स बनाने और शॉर्ट्स के लिए भी थोड़े बहुत वीडियो बना के रखेंगे, तो इस वीडियो में बने रहना क्योंकि इस वीडियो में हमारा पुराना दोस्त हमारे साथ वापस आने वाला है, तो आपको कुछ देर में उससे भी मिलाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, बने रहना। तो दोस्तों ये खड़ी हमारी रिक्शा और हमारे रिक्शा में ऑलरेडी हमारे दोस्त यार बैठे हुए हैं, यहाँ आशीष है और ये हमारे भागीरथ भाई। चल आप पीछे बैठ, गाड़ी मैं चलाऊंगा। सो हेलो दोस्तों, फाइनली हम लोग आ गए हैं थाने के ओपन लेक के पास और अब हम लोग यहाँ अपने रील की शूटिंग करेंगे। आप लोगों को रील की शूटिंग नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो तो हम लोग अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, तब आप लोग वीडियो देख लेना। आपको हम लोग ओपन का पूरा लोकेशन दिखाते हैं ब्लॉग स्टाइल में। अभी हम लोग यार अपना रील्स बनाने, आप वीडियो एंजॉय करिए। तो दोस्तों फाइनली एक घंटे की मेहनत के बाद हमारे वीडियोस बन चुके हैं और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं आशीष भाई के एरिया में। अब वहाँ जाने के बाद हम लोग अपने अपने कपड़े चेंज करेंगे और आशीष भाई अपनी गाड़ी निकालेंगे, फिर हम लोग को जाने का दूसरे लोकेशन पे और वहाँ पहुँच के बताएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो हेलो दोस्तों, फाइनली हम लोग आ गए हैं बालकुम के पाइपलाइन के पास और अब बाकी का शूटिंग हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। और यहाँ आते आते हम सनसेट का टाइम हो गया, दोपहर से निकले। ये भाई साहब कपड़ा चेंज करने गए, कपड़ा चेंज के अपना गाड़ी लेके आए। अब बाकी का शूटिंग गाड़ी के ऊपर होगा, तो वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो पे शूटिंग का भी वीडियो चाहिए तो बता देना कमेंट में, अगली बार से मिलेगा बट इस बार नहीं। तो दोस्तों फाइनली बालकुम से भगाए जाने के बाद हम लोग रिटर्न ओपन में आ चुके हैं और ओपन में आने का हमारा फाइनल वीडियो खत्म हो चुका है। और हम लोग ने दिन भर में सिर्फ 6 रील्स बनाए हैं और 6 रील्स बनाने में हमारा पूरा दिन चला गया है। जो भी बोलते हैं ना 15-15 सेकंड की वीडियो, 15 सेकंड की वीडियो बनाने में भी 1-1 घंटा चला जाता है। तो दोस्तों अभी पूरा जो 6 वीडियो हमने बनाया है, हम पर डे अपने यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे अपलोड करने वाले। और अगर इस वीडियो में आपको दोनों जगह का लोकेशन पसंद आया हो या फिर हमारी एक्टिंग पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और इतना ध्यान में रखना कि मेरे जिस दिन 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन मैं बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। अगर अनाउंसमेंट को सुनना है तो सब्सक्राइबर बढ़ाओ और फिर अनाउंसमेंट पाओ। और इतना सोच लेना हिस्ट्री में वो चीज़ नहीं हुआ है। बाय।